ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। आज भी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें खाली रखी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को जयपुर के धनंकिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्मारक पर स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। समारोह में राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान 1971 की जैसी गलती ना दोहराए, अगर हालात बिगड़े तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, इस बारे में पाकिस्तान को पहले सोच लेना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं करते, इसलिए कश्मीर विधानसभा में 24 सीट खाली रखी गई हैं। आइए सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। मैं तो बार बार सुझाव दे चुका हूँ पाकिस्तान को भी कि जो 65 और 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। लेकिन पीओके का यदि पाकिस्तान के वजूद को हम स्वीकार करते हैं या तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हम वजूद को स्वीकार करते हैं, हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जबरन कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हम खाली रखी गई हैं बहनों भाइयों, 24 सीटें खाली रखी गई। समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया कि वो आदर्श पुरुष का बेहतरीन उदाहरण थे, भक्ति समन्वित, ज्ञान युक्त, निःसंग काम कर्मयोगी, ये तीनों विशेषताएं उनमें समाहित थी। भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक दार्शनिक अवधारणा की जरूरत थी और ये अवधारणा एकात्म मानववाद की थी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पंडित जी ने भारत की राजनीति के लिए नया विचार देने का काम किया था। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद भारत का भला नहीं कर सकते, बल्कि देश का भला एकात्म मानववाद ही कर सकता है। हर व्यक्ति के मन को सुख मिल जाए ऐसा काम होना चाहिए, धन मिले या न मिले लेकिन हर व्यक्ति को मान सम्मान जरूर मिलना चाहिए, हर बुद्धि के लिए ज्ञान मिला जाए ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। और इन सब पर दीनदयाल जी की कही बातों पर मौजूदा सरकार ने काम किया है। समारोह में मुख्य अतिथि रहे राजनाथ सिंह ने आगे अपने संबोधन में कहा, जब जब भारत की सीमाएं छोटी हुई हैं, तब तब देश की आवाज उठाने का काम राष्ट्रवादियों ने किया है, पहले ये काम जनसंघ ने किया और अब ये काम भाजपा करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हम देश की 80-90% जमीन सिंचित करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की कोशिश 2022 तक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की है, हर घर में नल और हर नल में जल हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया है जिसको राजस्थान के ही मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संभाल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के लोग गौरवान्वित हुए हैं, हर भारतीय का सीना 56 इंच चौड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसका सबसे पहले विरोध पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही किया था, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के कानून मान्य नहीं होते थे, हम हर चुनावी घोषणा पत्र में 370 हटाने की बात करते थे। इस पर कुछ लोग सवाल उठाने लगे थे, कहते थे कि भाजपा लोगों को धोखा देती है, लेकिन हम देश के लोगों को धोखा नहीं दे सकते, हमें चुनाव हारना मंजूर है लेकिन हम देशवासियों को धोखा नहीं देंगे। आज 370 हटाए जाने के इस ऐतिहासिक कदम का मुस्लिम समुदाय ने भी स्वागत किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अनेक भाजपा विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।